देखो, कल हमने जो नेक्स्ट पिछली क्लास में हमने जो प्रॉफिट लॉस में कुछ बातें सीखी थी, जिसमें 8 स्टेप की बात कर चुके थे, अगला स्टेप हमारा 9वां रहेगा। इसमें एक बात देखो, पर्सन में ध्यान दें कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया, प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया, तो पहली वस्तु पर 20% का 20% की हानि और दूसरी वस्तु पे 20% का लाभ होता है। तो बताइए इस सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगी? तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, जब दो वस्तु जिनको प्रत्येक का जो जिनमें प्रत्येक का सेल प्राइस अगर सेम हो 12,000 रुपये, और उसमें जो रेट है, एक तो 20% प्रॉफिट है और एक 20% लॉस है, ऐसा कोई भी सौदा हो जिसमें सेम रेट पे बेचा गया दोनों को, जिसपे सेम रेट पे दोनों वस्तु को बेचा गया, जिसमें 20% का लाभ, 20% की हानि और सेम मूल्य पर भी बेचा गया हो, तो ऐसे सौदे में सदैव क्या होगी? हानि होगी। इस प्रकार के सौदे में सदैव क्या होती है? हानि होती है, सदैव हानि होगी। और सदैव हानि प्रतिशत जो ज्ञात करेंगे उसका एक शॉर्ट फॉर्मूला होगा, आर स्क्वायर बटा में शो, आर स्क्वायर बटा में शो। अब आर यहाँ पे क्या होगा? 20%, यानी 20% हानि और 20% लाभ। जैसे ये 20% लाभ को मैंने प्लस से दर्शाया और 20% हानि को मैंने माइनस से दर्शाया, तो यहाँ पे आर क्या होगा? आपका 20 होगा। तो आर की जगह मैंने रखा 20 की स्क्वायर और बटा में शो, यानी ये हो गया आपका 400 डिवाइड बाई 100, तो कितना? 4%, 4% की क्या हुई? हानि हुई। अब देखो, ये अगर हमने कहा कि भी 4% की हानि, बाय द वे हम डिजिट चेंज कर देते और यहाँ पे 13 होता, यहाँ पे भी वहाँ पे भी 13% होता, मान लो कि 13% की हानि होती और 13% का ही लाभ होता। तो ऐसे में अगर आपको स्क्वायर याद है, अगर आपको स्क्वायर याद है तो डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकते हैं कि 13 का वर्ग कितना होता है? 169, और दो अंकों पे पॉइंट लगाएं प्रतिशत के बदले में, तो कितना आ गया? 1.69% आपकी हानि। अगर मैं कहूं 25% का लाभ है और 25% की क्या है? हानि है। 25% का लाभ और 25% की हानि, तो 25 का वर्ग क्या होता है? 625। तो सीधा आंसर देंगे 6.25% की क्या हुई? आनी हुई, यानी रेट बदलेगी। अब आपके दिमाग में विचार आ रहा है, अगर ये सेम ना हो तो, अगर ये रेट सेम ना हो तो क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं होगा। अगर आपके दिमाग में अब भी ये चीज़ है कि भाई डायरेक्ट 4% कैसे आया, तो हम दूसरे तरीके से इसको सोल्व करके देखते हैं। देखो, 20% लाभ का मतलब 120 के बराबर कितना है? 12,000। अगर हम विस्तारित करके देखें कि क्या वास्तव में 4% आ रहा है, तो देखो ये जो 20% लाभ हुआ, ये किसको दर्शाएगा? 20 यूनिट लाभ को दर्शा रहा है। 100 उसमें कॉस्ट प्राइस होगा, तो आपका सेल प्राइस की यूनिट क्या होगी? 120, और 120 किसके बराबर होगा? 12,000 के बराबर होगा। तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना होगा? 100 यूनिट के बराबर मानते हैं कि नहीं मानते? तो आपका आगे यहाँ पे 10,000 उस वस्तु का क्या था? कॉस्ट प्राइस। जिस वस्तु को आपने 20% लाभ से बेचा, वो वस्तु 10,000 रुपये में खरीदी गई। इसी प्रकार से अगर उस वस्तु का सेल प्राइस 12,000 है और उस पर 20% की हानि होती है, तो यूनिट कितने के बराबर होगी? 80 के बराबर। तो 80 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी आपकी? 12,000 के, 12,000 के। तो कॉस्ट प्राइस ज्ञात करेंगे तो किसका? 100 यूनिट का निकालेंगे, तो 100 के बराबर कितना होगा? तो काटें जीरो से, आप चाहे भले इस जीरो को काटो, 8 से डिवाइड कर दो, 8 एकम 8, बच गए 4, और 8 5 40, तो कितने हो गए आपके पास? 15,000। यानी आपका कॉस्ट प्राइस, जिसको जिस वस्तु को आपने 15,000 रुपये में खरीदा और जिसको आपने 12,000 रुपये में बेचा, वहां पर 20% की क्या हुई? आने। अब देखिए, टोटल जो कॉस्ट प्राइस आपका वो 10,000 प्लस 15,000, यानी टोटल हुआ आपका 25,000। 25,000 उस वस्तु, दोनों वस्तुओं को खरीदा गया था और उनको बेचा कितने में? 12 और 12 24 में बेचा गया, तो 12,000 और प्लस 12,000,
तो टोटल कितना हुआ 24,000। तो यहाँ पे देखिए, ज़्यादा में खरीदा गया, कम में बेचा गया, तो क्या हुई हानि। तो यहाँ पे हानि कितने का हुआ, लॉस कितने का हुआ, यहाँ पे लॉस हुआ है 1,000 का। ठीक है, अगर हम इसमें लॉस परसेंटेज देखें, लॉस है परसेंटेज देखें, तो कितना आएगा लॉस, यानी 1,000 यानी हानि गुणा में 100 और बट्टा में क्या होगा क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना था 25,000। तो दो जीरो से आपने दो जीरो काटा और ये एक जीरो से ये काटा, और कितना है मात्र है 4%। तो 4% की क्या हुई हानि हुई कि नहीं हुई। तो ये जो विस्तारित मेथड जो मैंने आपको ये बताया है, ये नहीं करना है पेपर में, यानी आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जब दो वस्तु को समान मूल्य पर बेचा जाए, दो वस्तु को समान मूल्य पर बेचा जाए और एक पर 20% लाभ और एक पर 20% की हानि हो, इस बात को समझ लो कि सेम रेट पे हो, जैसे 20% का लाभ हो रहा है 20% की हानि हो रही है और समान मूल्य पर बेचा गया हो, तो निश्चित रूप से वहाँ पे क्या होगी हानि होगी, और वो किसके बराबर होगी आर स्क्वायर बटा में 100 के बराबर, आर स्क्वायर बटा में 100 के बराबर होगा। जैसे मान लो कि 13% होता, 13% लाभ से 13% हानि से बेचा, मैं कहूँ कि किसी किन्हीं दो वस्तुओं में प्रत्येक को 28,000 रुपये में बेचा, तो पहली वस्तु पे 13% का लाभ और दूसरी वस्तु पे 13% की हानि हुई, तो बताइए लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। तो आपका जवाब होगा 13 का वर्ग, याद रखिए 13 का स्क्वायर निकालिए, 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, और दो अंकों पे क्या लगाओ पॉइंट, तो आपका उत्तर सीधा ही आ जाता 1.69%। यानी आपको अगर स्क्वायर याद है तो मत्तर और मत्तर दो या तीन सेकंड में क्वेश्चन सोल्व। अगर मैं कहूँ 18% हो, सेम मतलब 18% का प्रॉफिट हो, 18% के लॉस हो, तो क्या करेंगे 3.24, क्योंकि 18 का स्क्वायर क्या होगा 324। अगर मैं 19 बोलता तो क्या बोलते 3.61। अगर मैं कहूँ कि 25% का लाभ हुआ, 25% की हानि हुई, तो 6.25। जैसा कि पिछली बार जो पटवार का एग्जाम हुआ था, दो घोड़े बेचे थे उसने, कितना घोड़ा बेचा, दो घोड़ा बेचा, एक पे 25% को लाभ और एक पे 25% की हानि थी, तब वहाँ पे उत्तर था 6.25% की सदैव क्या होगी वहाँ पे हानि। ये नहीं कि 1% की होगी, वो रेट पे डिपेंड करेगा, अगर 10% लाभ 10% हानि है तो 1% हानि, अगर 11% लाभ है 11% हानि है, तो 11 का वर्ग कितना होगा 121, तो उत्तर क्या होगा 1.21% की हानि। अगर मैं कहूँ 12% लाभ 12% हानि है, तो बोलिएगा 1.44% की यानी। तो ये बात समझ में आई, अब आपके दिमाग में आ रहा कि भाई अगर ये सेम मूल्य होता, ये तो सेम होता, पर यहाँ पे रेट चेंज कर देता। अब देखो इस पर्सन में कि दो वस्तुओं में प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा, मतलब दो वस्तु हैं और दोनों का ही सेल प्राइस क्या है 12,000, मतलब हमने कितने में खरीदा हमें नहीं पता, पर 12,000 रुपये में हम दोनों वस्तुओं को बेच रहे हैं अलग अलग, प्रत्येक बोला प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया, तो पहली वस्तु पर 20% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 25% की हानि हुई, तो बताइए इस सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। तो ध्यान से सुनिए, 12,000 दो वस्तु के अलग अलग मूल्य हैं, ये सेल प्राइस है अलग अलग, यानी पर जो वस्तु है, प्रत्येक जो वस्तु है उसका कितना मूल्य है 12,000, एक को तो बेचा उसने 20% लाभ से, एक पर 20% का प्रॉफिट हुआ है और दूसरी पर 25% का लॉस हुआ है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि ये जो 20% लाभ हुआ और वस्तु को 12,000 रुपये में बेचा, वस्तु को 12,000 रुपये में बेचा, तो ये 20% लाभ क्या दर्शाएगा, उसकी सेल प्राइस की जो यूनिट होगी वो क्या होगी 120, क्योंकि हम लोग क्या मानते हैं कि कॉस्ट प्राइस की यूनिट हमेशा ही क्या होगी 100 होगी, होगी। अगर 20% का लाभ होता है तो सेल प्राइस की यूनिट क्या होगी 120, अगर उस पर 25% की हानि होती है तो सेल प्राइस की यूनिट क्या होगी 75 होगी कि नहीं होगी 75 होगी, मेरी बात समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे सेल प्राइस की यूनिट क्या निकाली हमने 75 निकाली, तो इस 120 के बराबर भी कितना है 12,000 है, और इस 75 के बराबर भी कितना है 12,000 है। कहने का मतलब 24,000 रुपये में तो दोनों वस्तु को बेचा गया है, पर हमें ये नहीं पता कि उस वस्तु को खरीदा कितने में गए, ये नहीं पता। तो देखिएगा 120
यूनिट का मान कितना है 12,000 रुपये है। तो कोस्ट प्राइस आपका मतलब क्रय मूल्य आपका 100 यूनिट के बराबर होगा तो वो पर्सन वाचक चिन्ह, तो आप काटें इसको, बराबर से बराबर कटेगी डिजिट, तो यहाँ पे शो आया। इसके बाद आपको क्रॉस मल्टीपल करना है, वज्रे गुणा करना है, तो 100 को 100 से जब मल्टीपल करें तो कितना आया 10,000, यानी उस पहली वस्तु को उसने 10,000 रुपये में खरीदा था और 12,000 रुपये में बेचा तो उसे 20% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इसके बाद देखें सेकेंड स्टेप पे कि 75 यूनिट जो है, 75 यूनिट के बराबर कितना आपका 12,000 है, कितना है 12,000। इसके बाद आप कोस्ट प्राइस के यूनिट देखें कितनी है, 100 यूनिट है। अब इस 100 यूनिट का बराबर कितना होगा पर्सन वाचक चिन्ह, काटें 25 × 75 × 25 = 100। संख्या ऊपर से नीचे कट सकती है, संख्या दाएं से बाएं कट सकती है, पर बीच में संख्याओं का क्या होगा, क्रॉस मल्टीपल होगा, वज्रे गुणा होगा, तो 3 × 3 और 3 × 12 और 4 × 16, यानी उस वस्तु का कोस्ट प्राइस जो था वो 16,000 था। 16,000 वाली वस्तु को जब उसने 12,000 में बेचा तो उसे 25% का क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। अब देखिएगा दोनों वस्तुओं का कोस्ट प्राइस हो गया 10,000 हुआ कि नहीं, प्लस 16,000, तो आपका टोटल हो गया 26,000। 26,000 आपका कोस्ट प्राइस है। तो सेल प्राइस क्या है, दो वस्तुएं हैं, प्रत्येक को 12,000 में बेचा गया है तो कितना हुआ 24,000। तो देखें 26,000 में वस्तु को खरीदा गया दो को और 24,000 रुपये में बेचा गया, तो आप ये देखिए लाभ हो रहा है कहानी हो रही है, भाई ज़्यादा में खरीद के कम में बेचा गया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है साहब, हानि हो रही है। तो लॉस कितने का हुआ, 2,000 का हुआ, 2,000 रुपये का हुआ। अब क्या करेंगे, हम लॉस परसेंटेज निकालेंगे, आनी प्रतिशत निकालें, तो क्या लिखते हैं, आनी गुणा में 100, यानी लॉस गुणा में 100 बटा में क्या होगा क्रय मूल्य मतलब कोस्ट प्राइस, तो लॉस कितना है आपका 2,000, तो 2,000 गुणा में 100 और डिवाइड बाई कितना 26,000, ठीक है। अब देखिएगा 0 से 3 0 काटा हमने, 2 से काटा 13 और 100 का 100 के अंदर अगर 13 का भाग दें तो 13 × 7 = 91, यानी 100 में अब 13 का भाग देंगे, 13 × 7 = 91, बस गए कितने 9 और बटा में कितना 13, तो 7 सही 9/13% की क्या हुई यहाँ पे आनी हुई। बोलो बात समझ में आ रही सभी को। अब देखो इस पर्सन में क्या कहा गया कि दो वस्तु की कुल लागत 1680 रुपये है, यानी आपने कोई भी दो चीज वस्तु खरीदी और टोटल 1680 रुपये चुकाए, जिसमें पहली वस्तु को फिर क्या किया कि आपने उस वस्तु को बेचना चाहा, आप मान लो कि आप दो घड़ी ले आए 1680 रुपये की और आपको रास नहीं आई, पसंद नहीं आई, तो आपने क्या किया, पहली घड़ी को तो बेच दिया 12% लाभ से और दूसरी को बेच दिया 16% हानि से, तो इस सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि, इसका मतलब 1680 रुपये में ही खरीदा और 1680 रुपये में आपने बेच दिया, मेरी बात समझ रहे हो। दो वस्तु की कुल लागत 1680 रुपये है, आपको ये नहीं पता कि मैंने पहली वस्तु कितने में खरीदी और दूसरी वस्तु कितने में खरीदी, पर आपने जब उनको बेचा तो 12% लाभ पर पहली वस्तु, दूसरी वस्तु 16% हानि, तो आपने उस 1680 रुपये पुनः प्राप्त कर लिए। इसी का मतलब हुआ कि इस सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि, मतलब मैं 12% लाभ से किसी वस्तु को बेचूं पहली को और दूसरी को मैं 16% हानि से बेचूं, और मुझे उस सौदे में ना लाभ होता ना हानि, मतलब मैंने 1680 चुकाए तो मैंने 1680 रुपये ही प्राप्त किए, इसका मतलब ये हुआ, यानी मेरा कोस्ट प्राइस और सेल प्राइस इसमें क्या है, बराबर है। पहली बात तो इसमें ये निकल के सामने आ रही है कि इसमें जो कोस्ट प्राइस है वही क्या है, सेल प्राइस, आपस में बराबर है, मेरी बात समझ पा रहे हो, यानी 1680 रुपये में कोई दो वस्तु खरीदता है 12% के लाभ से पहली वस्तु और दूसरी वस्तु को 16% हानि से बेचता है, तो इस सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि हुई, इसका मतलब यह हुआ 1680 में ही खरीदा और 1680 रुपये में उसको बेच दिया, तो हम कह सकते हैं कि कोस्ट प्राइस और सेल प्राइस दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले देखिएगा 1680 दो वस्तु की लागत है,
ये उसका कॉस्ट प्राइस है टोटल दो वस्तु का लागत। पहली वस्तु पर उसको 12% का प्रॉफिट होता है और दूसरी वस्तु पर उसे 16% की आनी होती है। हम प्लस माइनस नहीं दर्शाएंगे इसमें, 12% लाभ और 16% है आनी हुई। तो फिर कहता ना लाभ ना हानि, तो मतलब बराबर इधर से 12 जा रहे हैं 16 जा आ रहे हैं या 12 आ रहे हैं 16 जा रहे हैं, तो बराबर है, बराबर की कंडीशन बना दिया। क्यों, क्या कह रहे हैं, ना लाभ हुआ ना आनी, एक तरफ से तीन आ रहे हैं तो दूसरी साइड में भले ही चार हैं जा रहे हो, तो पहली वस्तु पे आपने ज्यादा लिया होगा तो आपने क्या रख दिया, बराबर रख दिया, प्रतिशत से आपने प्रतिशत को काट दिया। अब इस देखो बराबर है, तीन कट आएगा चार से, चार तिया 12 और चार चौके 16। जब भी राशि बराबर में दिखे, तो हमने एक बात पढ़ी है, जब भी बराबर की रेशियो दिखाई दे, बराबर में डिजिट दिखाई दे, उसे रेशियो में बदल दो। तो ये इधर चार और ये इधर है तीन, आप उसका क्रॉस कर देना, यानी तीन इधर और चार है इधर। अब कह सकते हैं कि पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, चार है, और दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, तीन है। ये पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया आपका, तीन, चार हो गया और दूसरी का तीन हो गया। टोटल दिया है तो टोटल कितने के बराबर है, सात यूनिट, तो सात यूनिट बराबर आपका 1680 है। तो एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो आप, 1680 में आपने सात का भाग दिया, सात दूनी 14 बस गए, दो सात चौक 28 240, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 240 रुपये है। तो पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस होगा, इसको 240 से गुणा किया तो कितना, 24 चौका कितना 96 और 24 तिया 72, 720, यानी पहली वस्तु को आपने 960 रुपये में खरीदा और दूसरी वस्तु को आपने 720 रुपये में खरीदा। देखो पहला क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन का आंसर तो आ गया कि पहली वस्तु को कितने में खरीदा, दूसरी वस्तु को कितने में खरीदा, आंसर आ गया। पर मान लो कि आपसे ये पूछा ही नहीं गया हो और सीधा ही कहता कि पहली वस्तु को कितने में बेचा, पहले उसकी खरीद मूल्य देखो, समझ रहे हो। अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट यही कहता कि पहली वस्तु को कितने में बेचा, तो आप पहली वस्तु का ही निकालिए, दूसरी का निकालने की आपको जरूरत नहीं होगी। जैसे दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है लागत वो 1680 है और एक पे 12% लाभ है तो दूसरी पे 16% है आनी, तो बराबर है, बराबर रखना, ना लाभ ना हानि, तो कितना है, तीन बराबर चार, रेशो करेंगे तो 4:3, ठीक है। वही टोटल कितना, सात और बराबर दो, कितना था आपका 1680, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 240 रुपये, ये बात हम ज्ञात कर चुके हैं, ठीक है ना। सेम, इतना सेम का सेम होगा, पर पहली वस्तु का अगर लागत मूल्य के बाद अगर कितने में बेचा गया पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो पहली का क्या निकालो, कॉस्ट प्राइस, यानी इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो कितना है, 960। ये 960 कितने के बराबर है, 100 यूनिट के बराबर है और इस पर 12% का लाभ हुआ तो 112 पे कितना होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब दिए गए में पूछे गए का क्या लगा दो, भाग, जीरो से जीरो काटो, 112 × 96 और डिवाइड बाई कितना, 10, कितना है, गुणा किया तो कितना है, 1075.2। अब इस क्वेश्चन में चेंज कर दें डिजिट और कहें कि दो वस्तु की कुल लागत 42,000 रुपये है, कितनी है, 42,000 रुपये। जैसे ये डिजिट चेंज कर देता मैं और कहता दो वस्तु की कुल लागत 42,000 रुपये है और पहली वस्तु पर 15% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 10% की आनी हुई, तो बताइए इस, तो इस सौदे में ना लाभ होता ना हानि, तो बताइए पहली वस्तु को कितने में खरीदा, दूसरी को कितने में खरीदा, पहली को कितने में बेचा और दूसरी को कितने में बेचा, जो आप दे सकते हैं इसी प्रकार से दे सकते हैं। तो वहां पे क्या लिखेंगे, वही 42,000। एक और करके देखो, अगर हम यहाँ पे 42,000 करें, जैसे ये डिजिट चेंज कर दूं,
अब देखो यहाँ पे टोटल जो कॉस्ट प्राइस वो कितना है, 42,000 है। कितना है? 42,000। और एक वस्तु के ऊपर 15% का लाभ हुआ है और दूसरी वस्तु के ऊपर 10% की हानि हुई है। कहता कि इस सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि, तो क्या कर रहे हैं, बराबर बराबर। प्रतिशत को प्रतिशत से काटो, फिर इसे काटिए 5 से, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। अब अनुपात लेंगे तो क्या आएगा, 2:3 लेंगे और अपना 5 बराबर कितना होगा, 5 यूनिट बराबर 42,000। तो एक यूनिट की वैल्यू होगी 42,000 बटा में 5, तो 8,400। तो पहली वस्तु हो जाएगी 16,800 और दूसरी हो जाएगी 25,200। मेरी बात समझ रहे हो? आपको यहां पे क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं, पर देखिएगा यहां पे ये चीज चेंज कर देता, यानी इसका मतलब है कि 42,000 रुपए में खरीदार 42 में बेचा, तो क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे हो सकती है कि दो वस्तु को 42,000 रुपए में बेचा। ये चीज यहां पे ये ना होता, ये लाइन ना होती, और कहता कि दो वस्तु को 42,000 रुपए में बेचा, तो पहली वस्तु पर 15% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 10% की हानि हुई, तो इस सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि। तो बताइए पहली वस्तु की लागत क्या होगी, दूसरी वस्तु की लागत क्या होगी। क्वेश्चन वही है, क्योंकि ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि कॉस्ट प्राइस यहां पे क्या होगा, सेल प्राइस होगा। क्यों? जब सौदे में ना लाभ हो ना हानि, जितने में खरीदा उतने में ही वस्तु को बेच दिया गया, तो यहां पे जो कॉस्ट सेल प्राइस देगा ना, वही क्या होगा, आपका कॉस्ट प्राइस होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? बोलो। अब इस क्वेश्चन में अपन ध्यान दें तो एक बात देखो कि दो वस्तु को 16,300 में बेचा गया, 16,300 में बेचा गया, तो पहली वस्तु पर 15% लाभ और दूसरी वस्तु पर 10% की हानि हुई, तो इस सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जितने में वस्तु को खरीदा गया उतने में ही वस्तु को बेचा गया। तो यहां पे क्या कह रहे हैं कि 16,300 रुपए में बेचा गया, तो यहां पे जो सेल प्राइस है दो वस्तु का 16,300 रुपए है, 16,300 रुपए है। क्या यही सेल प्राइस उसका कॉस्ट प्राइस है? यस या नो? यस, क्योंकि 16,300 में बेचा गया तो ना लाभ हुआ ना हानि, इसका मतलब उसने 16,300 रुपए में ही वस्तु को बेचा, तो 16,300 में वस्तु को खरीदा था। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी कितना होगा, 16,300 होगा। जो हमने अभी पीछे क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें क्या था कि दो वस्तु का कुल लागत मान लो कि 42,000 रुपए है, तो पहली वस्तु को 15% लाभ से, दूसरी वस्तु को 10% हानि से बेचा, तो ना लाभ हुआ ना हानि, इसका मतलब था कि 42,000 रुपए में खरीदा और 42,000 रुपए में ही बेचा। भाई कह रहा कि ना लाभ ना हानि, तो इसका मतलब सीधा सा है, 42 लागत थी तो 42 उसकी इनकम है, टोटल 42 में खरीदा था और 42 में उसको बेच दिया। अब यहां कह रहा कि 16,300 में बेच दिया, तो ना लाभ हो रहा ना हानि, तो इसका मतलब उसने खरीदा भी कितना था, 16,300 में। तो यहां पर हमने जो विक्रय मूल्य लिखा है 16,300, इसी को हम क्या कहेंगे, कॉस्ट प्राइस है जी। क्यों? क्योंकि ये बात जानते हैं कि ना लाभ ना हानि मतलब सेम होता है, जितने में खरीदा उतने में वस्तु को बेचा गया, तो यहां पे कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, 16,300, और सेम डिजिट जैसे यहां पे 15 और यहां पे 10 परसेंटेज की बात कर रहा है, बराबर बातें कर रहे हैं, तो 5 या 15, 5 × 10 और 2:3 करेंगे, 2:3, तो 3 और 2 कितना हुआ, 5। अब 5 यूनिट बराबर कितना है, 16,300, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 16,300 डिवाइड बाई 5 कितना, कितना, 2560। अच्छा 3260, सॉरी 3260। अब 3260 जो आया वो एक यूनिट की वैल्यू आई, तो यहां पर 3260 को गुणा करें 6520, और यहां अपन इसको 3260 से गुणा करें तो 97 80। तो ये दोनों का क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, दोनों का क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। अगर इस क्वेश्चन में सेल प्राइस पूछता कि कितने में बेचा पहली वस्तु को,
तो पहले उसका क्या ज्ञात करो, कोस्ट प्राइस। तो ये 16 65 जो 65 20 है, यानी कोस्ट प्राइस 100 के बराबर है 65 20, 6520। और 15% का लाभ हुआ तो किस पे निकाल देंगे, 115 पे पर्सन वाचक चीज, 7498 रुपए, ये इसका सेल प्राइस। और इसी प्रकार से अगर आपको दूसरी वस्तु का पूछता तो ये 9780 जो रुपए है ये 100 यूनिट के बराबर, क्योंकि कोस्ट प्राइस हमेशा किसके बराबर मानते हैं, 100 के बराबर। और उसके बाद सेल प्राइस कितना होगा, 90, क्योंकि ये क्या है, आने की बात कर रहे हैं और ये बात लाभ की कर रहा है। तो इन क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, कर पाओगे। नेक्स्ट स्टेप देखो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कि राजेश ने दो घड़ियां 3690 रुपए में खरीदी। राजेश ने दो घड़ियां, अभी ये नहीं बताया कि कितने कितने में अलग अलग खरीदी, 3690 रुपए में दो घड़ियां खरीदता है। पहली घड़ी को 20% लाभ से और दूसरी घड़ी को वो 15% हानि से बेच देता है। दो घड़ियां 3690 रुपए में खरीदा और पहली को 20% लाभ से, दूसरी को 15% हानि से बेच दिया। तो राजेश को दोनों घड़ियों के विक्रय मूल्य समान प्राप्त हुए। विक्रय मूल्य समान प्राप्त होना मतलब समान मूल्य पर बेचा गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये देखो, यहां से क्वेश्चन यहां सोल्व होगा, अमी क्वेश्चन सोल्व डायरेक्ट करवाएगी ये पंक्ति। देखिए, दोनों वस्तु का लागत मूल्य दिया है, यानी कोस्ट प्राइस है 3690 रुपए, ठीक है। पहली वस्तु को उसने 20% लाभ से और दूसरी वस्तु को उसने 15% हानि से बेचा है। तो कहता कि दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य समान प्राप्त होते हैं, दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य समान प्राप्त होते हैं। तो ये तो विक्रय मूल्य थोड़ी है, विक्रय मूल्य की यूनिट क्या होगी कोस्ट सेल प्राइस की, जी 120, और यहां पर यूनिट क्या होगी, कितना, 85। मेरी बात समझ पा रहे हो भाई, कोस्ट प्राइस क्या होता है, कोस्ट प्राइस किसके बराबर मानते हैं, 100 के बराबर। अब 100 वाली वस्तु पर अगर उसे 20% का लाभ हुआ तो 120 में बेचा, 100 वाली वस्तु को उस पर 15% की हानि हुई तो 100 वाली वस्तु पर 15 की हानि होती है तो 85 में बेचता है। और फिर कह रहा कि दोनों घड़ियों के विक्रय मूल्य समान है, तो ये क्या, सेल प्राइस ही तो है, ये विक्रय मूल्य ही तो है। और विक्रय मूल्य क्या है, समान है, समान मतलब बराबर है, यही तो। अब यहां से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, इतना करते ही अगर ये पंक्ति नहीं कहता तो डायरेक्ट नहीं कर पाते, मानना पड़ता कि माना पहली का क्रय मूल्य एक्स तो दूसरी का क्या, दूसरी का फिर 3690 माइनस एक्स, इतना लंबा मत चाहिए। सीधा ही कि 3690 रुपए की दो घड़ियां हैं, एक पर 20% का लाभ है और दूसरी पे 15% आनी है, तब दोनों के विक्रय मूल्य समान प्राप्त होते हैं, मतलब बराबर हैं। विक्रय मूल्य समान प्राप्त होते हैं, इसका मतलब ये 120 और ये 85 बराबर है। और कहीं पर भी मैथ्स में बराबर की कंडीशन बन जाए, कहीं पर भी, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, परसेंटेज हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, बराबर कहीं दिखे, रेशियो मेथड से चलना है, हमेशा रेशियो मेथड से। काटे कट रहे, देखो 5 से कट रहे 24 और 5 से कट रहे 17। अब बराबर दिखते ही इसको किस में बदल दो, अनुपात में, तो इधर 17 और इधर है 24, यानी पहली वस्तु का ये विक्रय मूल्य नहीं रहा, अब ये विक्रय मूल्य नहीं, अगर ये क्या है, कोस्ट प्राइस, तो ये भी किसकी आ जाएगी, कोस्ट प्राइस की आ जाएगी, क्या ये कोस्ट प्राइस, क्योंकि विक्रय मूल्य का अगर रेशियो ले लें दो का तो वापिस किसका बन जाएगा, कोस्ट प्राइस का बन जाएगा, बराबर कंडीशन रखे तो ये किसका बन गया, कोस्ट प्राइस का, क्रय मूल्य का रेशियो बन गया। अब दोनों का कितना है, 36900, तो जोड़े कितना, 41 यूनिट किसके बराबर है, जी 3690। तो एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 3690 डिवाइड बाई 41, तो कितनी बार, 90, 9 बार कट गया, 9 एक कम 9 9 चौक 36, 90 बार आया, तो 90 क्या आ गया आपका, एक यूनिट की वैल्यू आ गई। अब सुनिए, अगर पहली वस्तु का कोस्ट प्राइस पूछ रहा तो क्या करेंगे, 90 से गुणा, और 17 नम्मा कितने होते हैं, 153 होते हैं, है ना, 17 नम्मा 153, और 24 नम्मा
216, तो 2160 रुपये की आ गई और 1530 की आ गई। ये तो दोनों वस्तु के क्या हैं, कॉस्ट प्राइस है। अगर अब इनका सेल प्राइस निकालें तो दोनों के ही क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ये जो 1530 है कॉस्ट प्राइस, किसके बराबर है? देखो कह रहा है पहली और दूसरी काम नहीं कर दिया, फिर कहता पहली घड़ी को कितने में बेचा, जितना पहली को बेचा उतना ही दूसरी को बेचा। तो अगर कहता कि दूसरी वस्तु को कितने में बेचा, तो आपको किसी एक का ही निकाल लेना, चाहे पहली का निकाल लेना चाहे दूसरी का निकाल लेना। तो आपका ये जो 1530 है वो 100 यूनिट के बराबर है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस है साहब, क्रय मूल्य आ गया। और क्रय मूल्य को किसके बराबर मानते हैं, 100 के बराबर मानते हैं। तो 100 किसके बराबर है, 1530 के बराबर। अब क्या होता है, इसे 20% के लाभ पर बेचा गया, तो किस पे निकालोगे, 120। तो 120 यूनिट का वैल्यू कितनी होगी, प्रश्नवाचक चिन्ह, गुणा करें 1530 गुणा में 120 और बट्टा में 100, तो 20 से 20 काटो, 153 को 12 से मल्टीपल करो, कितना आया सीधा, 12 3 36, 3 और 12 5 60, 60 3 63, 6 और 12 1 12 और 6 18, 1836 रुपये। ठीक है, दूसरी वस्तु का भी अगर निकालोगे आप कि 100 के बराबर कितना 2160 है, तो 85 के बराबर कितना है, वही 1836 आना है। मेरी बात समझ पा रहे हो, कहा कि दो वस्तु को 3690 यानी 3690 रुपये में खरीदा गया, हमें ये नहीं पता कितने कितने में खरीदा, पर दोनों वस्तु को जब बेचा तो पहली पर 20% का लाभ और दूसरी पे 15% की हानि होती है। तो इस सौदे के अंदर दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान प्राप्त होते हैं, मतलब समान मूल्य पर बेचा गया है। स्टेप नंबर 12 की बात करें तो कहा कि किसी वस्तु को 1940 रुपए में बेचा, ध्यान से सुनो बेटा, किसी वस्तु को 1940 रुपए में बेचा तो उतनी ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 2160 रुपए में बेचने पर लाभ होता, यानी लाभ और हानि दोनों की क्या है, बराबर है। तो पहले तो मैं डायरेक्ट ही कहता हूं, अगर कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस पूछ ले और दोनों वस्तु को बेचने पर, एक ही वस्तु को बेचा गया, यानी पहले उस वस्तु को अगर 1940 रुपए में बेचता हूं तो हानि होती है, अगर 2160 रुपए में बेचता हूं तो उतने ही रुपए का लाभ होता है जितने की हानि होती थी। जैसे मुझे 100 रुपए का लाभ होता है, फिर उसी प्रकार से 100 रुपए की क्या हो, हानि हो। तो ऐसी कंडीशन में कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो दोनों सेल प्राइस को जोड़ दो, दो का भाग लगा दो, बस। विक्रय मूल्य अगर बेचने पर कहता कि लाभ हो रहा है और हानि हो रही, वो दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो थे के करियो दोनों ही विक्रय मूल्य जोड़ दो, दो को भाग ला दो। तो देखो 1940 प्लस 2160 और बट्टा में 2, 41 बट्टा में 2, तो कितना आ गया सा, 2050 रुपये। अब अगर ऐसे ध्यान ना रहे तो फिर विस्तारित करो। सबसे आसान तरीका मैंने आपको कहा कि किसी वस्तु को बेचने पर जितने की हानि होती है और उसी वस्तु को दोबारा बेचें उतने का ही लाभ हो, यानी लाभ और हानि की डिजिट बराबर हो, और दो अलग अलग विक्रय मूल्य की बात कर रहा हूँ, जोड़ दो सीधा, दो का भाग लगा दो। अगर ऐसे नहीं करेंगे भी, नहीं माने हम ऐसे क्यों आया, तो देखिएगा लाभ और हानि दोनों बराबर है, बराबर है, और क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। ये उसका क्या है, 1940, क्या है 1940 सेल प्राइस, और यहां पर दूसरा सेल प्राइस क्या है, 2160, यानी लाभ 1940 में बेचिए ना, तब क्या हो रही है, हानि हो रही है। जब मैं 1940 रुपए में किसी वस्तु को बेचता हूं और मुझे एक्स की हानि होती है, तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, हानि और विक्रय मूल्य जुड़ेगा, 1940 प्लस एक्स,
मैं कहूं कि 5 रुपये में आपने एक पेन बेचा और आपको 1 रुपये की आनी हो गई, तो आपने कितने में खरीदा? 6 में। इसी प्रकार से मैं कहूं कि आपने 2160 रुपये में किसी वस्तु को बेचा और आपको एक्स रुपये का लाभ हुआ। इस बात को ऐसे समझ लो कि किसी वस्तु को 10 रुपये में बेचा तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो मतलब आपने कम में खरीदा, यानी सेल प्राइस में से प्रॉफिट घटा देंगे, ये भी आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब वस्तु एक ही है, यानी एक ही वस्तु की बात कर रहा है वो, तो दोनों के कॉस्ट प्राइस आपस में क्या है? समान। तो 1940 प्लस एक्स बराबर 2160 माइनस एक्स, एक्स को एक्स किया 2x हो गया। इधर घटाया 2160 माइनस 1940 और डिवाइड बाई कितना? 2। ठीक है ना, x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 क्या लगा देंगे बाग में, तो कितना है आपका 2, नहीं पहले 0 फिर 2 और फिर 11 में से 2, 220 और बटा में 2, तो 110। अब 110 इसमें जोड़ू तो देखिए कॉस्ट प्राइस क्या आ रहा है, 1940 प्लस 110, तो भाई इतना लंबा क्यों करेंगे? गड़बड़ तो ये भी हो जाएगी, कब जुड़ेगा कब घटेगा। और सामान्य बात है, याद रखिए कि भाई किसी वस्तु को बेचने पर लाभ हो रहा है तो मतलब ज्यादा में बेच दिया, आनी हो रही है तो कम में बेच दिया। इतने बोलो तो कोनी भुगानी हो, मेलम चले जा भाई, है ना, या फिर रेवड़ चराने चले जा, पिकनिक पर चले जा टब्बर, है ना। तो ये बात तो समझ में आई, जब दो वस्तु के विक्रय मूल्य क्या हो? समान या अलग अलग हो, और लाभ हानि की जो मूल्य दिया लाभ हानि वो बराबर हो, तब दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो। ओके, कर पाओगे? कोई डाउट है ना जी? कोई डाउट को नहीं, डाउट रहेगी आग लेख आयो कहीं सिद्ध हुई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मोहन ने एक मोबाइल 12,500 रुपये में खरीदा, ये उसका क्या है कॉस्ट प्राइस? तो देखिएगा इजी तरीके से करेंगे, मोबाइल का कॉस्ट प्राइस है 12,500, ठीक है। अब 12,500 कितने के बराबर है? 100 के। कितने में भी खरीदो? 100 में। मैंने कहा था 5 पैसे में भी खरीदे तो 100 के बराबर, 5 रुपये में भी खरीदे 100 के बराबर, 5 लाख में भी खरीदे तो भी 100 के बराबर। अब कह रहा कि 12,500 रुपये में खरीद करे 12% लाभ से रोहन को, अब रोहन को बेच दी 12% लाभ से तो 112, ठीक है 112, समझ में आ रहा बात? रोहन को 12% लाभ से बेचते, जबकि रोहन ने, अब रोहन की चीज अपने आप में कितने के बराबर है? 100 के बराबर। अब रोहन ने 10% आनी से, मतलब है 90 से, वो वस्तु सोहन को बेच दी, तो बताओ सोहन ने कितने रुपए में मोबाइल खरीदा या रोहन ने कितने रुपए में मोबाइल बेचा? बात एक ही है। ये वाली जो पंक्ति है देखो, पहली बात आई थी, ये था मोहन, और मोहन ने 12,500 में खरीद कर 12% लाभ से रोहन, ये आ गया इधर है रोहन। अब रोहन का ये मूल्य अपने आप में किसके बराबर है? 100 के बराबर ही है, ठीक है। इसके बाद रोहन ने 10% आने से सोहन, ये आ गया सोहन का, तो रोहन ने उसे कितने में बेचा? बात तो ये की है, रोहन ने उसे कितने में बेचा और सोहन ने उसे कितने में खरीदा? बात तो ये की इसकी वैल्यू, तो बराबर पर्सनवाचक चिन्ह, बस दिए गए में पूछे गए का भाग लगा दो, क्रॉस मल्टीपल वज्र गुणा। देखो इधर से ऐसे चलेंगे, यानी 12,500 गुणा में 112
गुणा में 90, बट्टा में ए वाली डिजिट भाग में 100 इंटू में 100। तो दो जीरो से आपका दो जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, 125, 112 और 9 से गुणा करें और फिर एक अंक के बाद पॉइंट लगा दें। क्या करें? पॉइंट लगाएं तो कितना आएगा? ओनली 12600। अब 125 इंटू में 112 इंटू में 9 और बटा में 10, तो आपका 12600 रुपये, ठीक है? कितना आएगा? 12600 रुपये। मेरी बात समझ रहे? तो 12600 में रोहन ने सोहन को बेची और सोहन ने 12600 में खरीदी, बात एक ही है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में, यहाँ पे ये चेंज कर लें, राम की जगह क्या कर लेना? रोहित। अब देखो रोहित ने एक साइकिल 20% लाभ से, तो ध्यान से सुनना, लिखना नहीं, एक बार पहले समझो। रोहित, पहले रोहित पे आर लिख दिया, रोहित की वो वस्तु कितने में थी? 100 में खरीदी और उसे 20% लाभ से मोहन को बेचती तो 120, ये मोहन आ गया। अब मोहन वाली वस्तु अपने आप में क्या होगी? ये वैल्यू अपने आप में 100 के बराबर है और मोहन ने, मोहन को बेच दी, मोहन ने 25% लाभ से रोहन को, इस मोहन ने ये वस्तु किसको बेच दी? रोहन को बेच दी। कितने में? 25% लाभ, मतलब 125। और कितने में बेची? 2250 रुपए में। तो ये 2250, ये आपका कॉस्ट प्राइस और ये आपका सेल प्राइस। तो कह रहा है कि रोहित ने कितने में खरीदी, यानी इसकी पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है? एक्स वैल्यू वैल्यू करिए मत, डायरेक्ट इस प्रकार से चलिए। तो दिए गए में पूछे गए का क्या लगा दो? आप भाग लगा दो, आएगा 100 इंटू में 2250 और डिवाइड बाई कितना? 120 इंटू में 125, 120 इंटू में 125, तो ये 1500 आएगी शायद, काटेंगे तो कितना आएगा? 1500। तो राम ने वो साइकिल कितने में खरीदी? नहीं, रोहित ने वो साइकिल 1500 रुपए में खरीदी। कोई डाउट है किसी को? अब देखो क्वेश्चन में कि राजेश ने एक घड़ी को 10% हानि से बेचा, राजेश ने एक घड़ी को 10% हानि से बेचा, तो बेचा होगा 10% हानि की बात कर रहे हैं, तो मतलब 100 में खरीदा तो 90 में बेचा, तभी तो 10 का क्या होगा? लॉस होगा। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100, 100 वाली वस्तु को उसने 10% हानि से बेच दिया और 10% हानि से बेचा तो उसका सेल प्राइस 90 यूनिट आ गया। हम यूनिट का खेला खेल रहे हैं। फिर कहता कि यदि वह इस वस्तु को 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता, वस्तु कितने की है? 100 की। अब इससे 20% कम में खरीद रहा है तो 100 का 20% कितना होता है? 20 ही होता है। 100 का 20% 20, तो 20 कम में खरीदा, 100 की वस्तु थी, 20 कम में खरीदा, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गया आपका? 80। 20% कम में खरीदता और 550 रुपये अधिक में बेचता, तो क्या कह रहा है? 550 रुपये अधिक में बेच रहा है, मतलब ये विक्रय मूल्य का क्या है उसका? डिफरेंस। कहने का मतलब पहले 90 में बेच रहा था, अब कुछ ज्यादा में बेच रहा है, तो उसको 550 रुपये अधिक मिल रहे हैं। तो फिर कह रहा है कि 20% कम में खरीदता और 550 रुपये अधिक में बेचता, तो हमें ये नहीं पता, एक बार छोड़ दो इसको। फिर कहता कि 40% का लाभ हो जाता, अगर वो 80 में खरीदता और 550 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का क्या होता? प्रॉफिट। तो इस 80 का 40%, दो तरीके हैं, या तो 80 का 40% निकाल लो आप
80 का 40% निकालें तो 80 इंटू में 40 बटा में 100, तो 32 रुपए का क्या हुआ प्रॉफिट। अब 80 के ऊपर कॉस्ट प्राइस जब 80 है और प्रॉफिट जब आपके पास 32 है तो सेल प्राइस आपका कितना हो गया 112। हम ऐसे नहीं करके सीधा करेंगे भाई 80 के ऊपर उसे लाभ कितना हुआ 40%, तो हम सीधा करेंगे 80 इंटू में 140 बटा में 100, तो 112। यानी पहले उस वस्तु को 90 में बेच रहा था, कितने में 90 में बेच रहा था 10% हानि से, अब उस वस्तु को वो कम में भी खरीदता है और 112 में भी बेचता है, तो कहीं ना कहीं उसे क्या मिलेंगे ज्यादा। तो ये जो डिफरेंस है कि 550 रुपये उसे अधिक मिल रहे हैं, तो ये उसका डिफरेंस विक्रय मूल्य का है। और यहां पर विक्रय मूल्य का जो डिफरेंस आया यहां, तो 112 में से 90 लेस किया, यानी आपका सेल प्राइस का डिफरेंस देखना है। सेल प्राइस का डिफरेंस आया 112 बाद में था, पहले 90 था, तो कितना आया 22। अब ये 22 यूनिट कितने के बराबर है आपका 550 के बराबर है। और आपको पूछा क्या है क्रय मूल्य पूछा, और क्रय मूल्य क्या माना हमने स्टार्टिंग में 100 माना, 80 पे मत निकालना, ये तो पर्सन सोल करने के लिए बोला गया है। तो क्रय मूल्य क्या था वस्तु का 100 था, ये तो कहा कि कम में खरीदता तो वस्तु तो 100 की थी, तो यहां पे 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 100 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 100 यूनिट बराबर पर्सनवाचक चिन्ह होगा, तो 11 से काटा 11 दूनी 22, 11 पांजो 55 और 2 से काटा तो ये 25, और 25 को आप क्रॉस मल्टीपल करें 100 से तो आपका उत्तर आ गया 2500। तो वो घड़ी कितने की थी 2500 रुपए की। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी प्रकार से लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलेंगे, हर चीज उसके अकॉर्डिंग लिखते जाएंगे, क्वेश्चन अपने आप है श्योर। अब देखें इसमें कि सोनू ने एक मेज 20% लाभ से बेची, ये पंक्ति पढ़ो 20% लाभ से बेची, तो पहले खरीदो भाई, बेचोगे तो बाद की बात है ना, तो खरीदी कितने में आपने 100 में, और बेचा कितने में, उससे पर 20% का प्रॉफिट हुआ है तो सेल प्राइस हुआ 120। ओके यहां तक ठीक है। फिर कहता कि 20% कम में खरीदता, तो इससे 20% कम में खरीदता तो 100 का 20% कितना होता है 20 होता है, और 100 में से 20 गया तो कितना है 80, तो यहां पे कॉस्ट प्राइस कितना है 80। 20% कम में खरीदता और उसे 90 रुपए कम में बेचता तो 90 रुपए कम, ये डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, ये विक्रय मूल्य का सेल प्राइस का डिफरेंस है। तो 90 रुपए कम में बेचता तो 25% का लाभ हो जाता, तो 80 का या तो 25% निकालो या फिर 80 इंटू में 125 डिवाइड बाई कितना 100, 25 चौका 100, 25 पंजा 125 और 4 से काटा 20, कितना या 100 आ गया। अब देखो पहले 120 में बेच रहा था, अब 100 में बेच रहा है, कितने कम मिल रहे हैं 20, यहां कितना कह रहा है 90 कम है, ठीक है ना। तो यहां पे इनका डिफरेंस जो आया वो कितना आया आपका 120 माइनस 100, तो 20 डिफरेंस है, 20 कम मिल रहे हैं, पहले 120 मिल रहे थे अब इसको 100 मिल रहे हैं, तो 20 यूनिट किसके बराबर है आपका 90 के बराबर है। तो क्रय मूल्य किस पे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस 100 पे निकालेंगे, और वो पर्सनवाचक चिन्ह, तो काटा 5 और कितना 9 पांजा 45, 450 रुपए की वो टेबल थी। बात समझ में आई, कोई डाउट है किसी को, समझ में आया ना सभी को अच्छे से, तो बाकी अपन चर्चा कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में।